पिता श्रीमती अक्काताई पाटिल, श्री अन्ना पाटिल पुत्र अक्षय पाटिल, पुत्री प्रियंका पाटिल एवं मोनिका पाटिल, दोहित्र अर्चित अमर पाटिल, विवान सचिन पाटिल, शिवांश सूरज पाटिल, निवासी मुकमपुर हालोंडी, तालुका हथकाळंगले, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री महेंद्र अग्रवाल, श्रीमती शीला अग्रवाल, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री धीरेंद्र अग्रवाल, श्रीमती माधुरी अग्रवाल, श्री देवेंद्र अग्रवाल, श्रीमती पूनम अग्रवाल, श्री भूपेंद्र अग्रवाल, श्रीमती संगीता अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रीमती वंदना अग्रवाल, विकास अग्रवाल, श्रीमती ऋतु अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, आरजू अग्रवाल, जय अग्रवाल, देव अग्रवाल, सागर अग्रवाल, अभिनेंद्र अग्रवाल, सजल अग्रवाल, युवराज अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। श्री अनिल जैन अध्यक्ष, दिगंबर जैन समाज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। धर्मपत्नी श्रीमती शशि जैन, पुत्र श्री अंकित जैन, पुत्र वधु श्रीमती प्रियंका जैन, पौत्री कुमारी सानवी जैन, पौत्र व्यान जैन। श्रीमान सोनू जैन, श्रीमती जिया जैन, पुत्र मास्टर काव्य जैन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बाहर तो हवा पानी आदि आदि के माध्यम से जीव का, छोटे बच्चों का पालन पोषण होता है। किंतु इस विषय में और देखना चाहिए कि जो 9 महीने या 9.5 महीने, लगभग कभी कभी 10 महीने, नीचे कभी 7 महीने, यह जो पालन पोषण होता है, किसके भरोसे पर होता? यह मनुष्य के लिए ही लागू नहीं होता, त्रिंचों में भी यह लागू होता। और आज की चिकित्सा पद्धति में सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहले लाना चाहिए। लाओ या ना लाओ, ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के ऊपर आधारित, जिसके बिना यह संभव नहीं, उसको अवश्य ध्यान में लाना चाहिए। माँ बाहर से भोजन करे, अब वह भोजन भीतर जाए और वह नाभि के नाल से, जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे ड्रिप, तो भीतर भी यह व्यवस्था है। बाहर से कुछ पथ्य का पालन किया जाता है, बाहर से भी विश्वास के साथ वैसा ही अनुष्ठान किया जाता है। समय पर जो खाया हुआ आहार है, भोजन लिया हुआ है, वह पचना प्रारंभ होता है और उसका रस भाग भी उस बच्चे के मुख में पहुंचता चला जाता है और उसका विकास वहाँ पर होना, अंग उपांग अवयव सहित
रंग रोगन आदि सहित ये सब समय समय पर होता जाता है, इसमें किसी का हाथ लगता नहीं है। इसके बारे में कब सोचा आप लोगों ने बताओ? हमने इसको जना है, हमने इसको पाला है, हमने इसको निभाया है और गर्भ में धारण करके इसका इसकी सुरक्षा हमने की है। कहीं कुछ भी कूड़ा कचरा पहुंच नहीं पाया और ऐसा उसका सुंदर पालन हुआ है। किंतु आप लोग निमित्त है, सब लोगों के यहाँ ऐसा होता ही नहीं। किसी किसी लोगों में तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है, कभी वह रुकता नहीं और वह अकाल में ही मृत्यु के कवल बन जाता है। अब चिंता होती है माता पिता को, ये क्यों नहीं रुका, ये क्यों नहीं रुका। तीन चार बार जब हो जाता है तब समझ में आ जाता है हमारा भाग्य ही ऐसा है। और जो जीव आता है उसका भी यही भाग्य है। अल्प आयु न माँ न पिताजी डाल सकती हैं, कर सकती हैं, न ही और कोई भी धाय वगैरह उसको कर सकती है। आयु का डालना और उसका चलना और उसके माध्यम से उसका विकास होना, कभी कभी ऐसा होता है भीतर ही भीतर शिशु का मरण होने की संभावना समझते हैं तो उस समय अलग रूप से आप लोग उसका पालन पोषण करते हैं। बड़ी विचित्र दशा है, जिसका होना अनिवार्य है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। संस्कार डालने की भी बात कही गई है वह बहुत सूक्ष्म हो जाती है। क्या संस्कार का डालना? तो खान पीन रहन सहन आदि का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बारे में बहुत अल्प ही लोग सावधानी अपनाते। ये ध्यान रखना, त्रियंचों में 100% संस्कारों को जीवित रखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। किंतु मनुष्यों में चला करके इसका पालन भूल जाते हैं। जब आपत्ति सामने आ जाती है, संपत्ति छीनी जाती है, तब रोते हुए बैठ जाते हैं। नियम का पालन करना अनिवार्य है, यह ज्ञात होते हुए भी नहीं किया जाता, क्योंकि शिक्षा संस्कारों की कमी होने से ऐसा होता। कुछ किताब लिखी हुई है, उसके अध्ययन करने से तो ऐसा लगता है चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, सभी लोगों ने इस सीमा का लंघन नहीं किया
और पालन किया। सुनते हैं कि विदेशों में सात सात दिन का भी पालन किया जाता है आप लोगों के धर्म को, और यहाँ पर कोई भी हो उसका पालन किया जाता है। आज उसका उल्लंघन विदेशी शिक्षा के कारण उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ही लोगों ने कह दिया ये तो धर्म है उनका। धर्म का अर्थ है पालन करने योग्य होता, उसका नाम धर्म बोलते। आप लोग वैधर्म को तो पालन करते हो लेकिन धर्म को छोड़ देते हो। इसीलिए आपका जो पालन पोषण बाहर से है इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु भीतरी भी आठ नौ महीने तक उसका पालन किया जाता। इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ घरेलू विद्याएं सिखाई भी जाती है, आज भी सिखाई जाती। मैं अमरकंटक जा रहा था, संघ सहित जा रहा था, बीच में जंगल पड़ता है और डिंडोरी वहाँ पर, हाँ वहाँ पर रहते। तो बाजार के दिन होने के कारण वो बेगा लोग, हाँ बेगा जात, वो भी आते थे। वो थोड़े से चूंकि हिले मिले थे जनता से, तो हमने उनको पूछवाया इसके बारे में उनका क्या गया। उनका कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें उनका सेवन करते हैं उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। सुन रहे हो? आप सफ़ेद होने के उपरांत काला बनाना चाहते हो, लेकिन उनका वह सिद्धांत था उसका सेवन करता कराया गया उम्र के हिसाब से तो वह कभी नहीं। इसी के साथ साथ देखा इन लोगों के सारे सारे 32 ही कायम है। कहा अपने यहाँ 32 ही कभी गिरती नहीं, ज्यों का त्यों रहते। ये क्यों? तो उसका पालन करने का परिणाम है। एक और अद्भुत बात कह दूँ, कोई भी आज तक वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर वैद इत्यादि के लिए, वो स्वयं वैदिकी काम करते रहते। कुछ ऐसे जड़ी बूटी इत्यादि का सेवन करते हैं उनके पास मलेरिया आता ही नहीं, बुखार आता ही नहीं। और एक चीज़ बता देता हूँ, और कर्म सिद्धांत क्या है और अपना जीवन क्या है, अपना भीतरी जीवन क्या है, कब तक पराश्रित कब तक स्वाश्रित, इसका भी अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आज शिविर की बात कही गई थी इसीलिए इस शिविर के साथ हमने ये जोड़ दे दिया। आप लोग अध्ययन करिए और विदेशी बात को किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार ना होइए। एक जंगल में हमेशा वो रहते हैं, शेर है, चीता है और सुअर है, जंगली हिंसक पशु है, पक्षी हैं, वो उनके पास आकर के कभी हरकत नहीं करते। क्या ऐसे हैं? तो उनका ऐसा ही आहार पान रहता है, उसके कारण वो पशु पक्षी उनके से दूर ही रहते हैं। और जीवन के जीने के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को वो
कायम बनाए रखते हैं। बहन के साथ बहन का, भाई के साथ तो भाई का, माँ पिता इतना ही नहीं किंतु अड़ोस पड़ोस के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा बना रहता है जिसके कारण रोग आदि का आना सोचते हैं और आप शोर कर रहे हैं। बिल्कुल पक्का है ये, मनुष्य भक्षी वृक्ष भी होता है। हमने दूसरी किताब में, दूसरी कक्षा में पढ़ी थी नरभक्षी, तो मनुष्य भक्षी वृक्ष उसका शीर्षक था, और किसी को नहीं। और अपने एरिया में आते ही, अवधि में आते ही उनको वह यूं कर देगा तो वह मनुष्य उसके पंजे में आ जाएगा और उसको चूस लेगा और उसको फेंक देगा। क्या समझ रहे हो? छाया है, हम बैठ जाए सोच विचार करके, सीमर तरु, जो नरकों में सीमर के वृक्ष होते हैं और बहुत अच्छे सुहाने छाया है, छाया के लिए वहाँ के नार की जाते बैठते ही नहीं, ऊपर से करोत के समान कट जाते हैं पत्ते, नीचे आकर के गिर जाते, तब मालूम पड़ जाता कि क्या हुआ, अंग अंग छुट जाता है। ये क्या है? ये केवल वहाँ पर मांडो भौनत्रिक वगैरह जाते हैं, उनको कुछ नहीं करते वो वृक्ष, क्योंकि वो मनुष्य वक्ष नहीं, वो नारकी वक्ष नहीं है, वो तो नारकियों को ही करते हैं। देव की पहचान वो कर लेते हैं, देव की पहचान वो कर लेते हैं, इसलिए देवों को वो छेड़ते नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को भी किसके साथ कैसा धर्म करना, ये कर्म सिद्धांत के आधार पर करेंगे सबसे उत्तम होगा। एक कर्म के साथ जोड़ो, धर्म के साथ कहने से गड़बड़ होगा। कर्म क्या वस्तु है हमने पूछा है, जितने भी चिकित्सक हैं उनके पास कर्म कोई वस्तु है ही नहीं। नहीं, बताया जाना अलग है और किताब में लिखा हुआ आना अनिवार्य है, कि क्योंकि ये कर्म क्या वस्तु है, ये क्या रसायन है। और हर व्यक्ति कर्म को तो सुनता तो है लेकिन उसकी नियमावली के बारे में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जैसा गर्भ में आया है वह शिशु, वह आपके कर्म से नहीं आया। हाँ, कुछ हो सकता है लेकिन उसका कर्म अलग है, उसके अनुसार उसको दूध मिलता है, आपके अनुसार दूध नहीं मिलता। कभी कभी आपका दूध नहीं भी है तो वह बाहरी दूध के माध्यम से भी पल जाता है। गैया ठीक है, मैया ठीक नहीं। बोलो अब क्या करना चाहते हो? मैया चाहते हो ये भी नहीं कर पाते। और गैया ने कितना बड़ा दायित्व छोड़ रखा, बताओ आप कितना बड़ा दायित्व है उसका। वो कहती है कि हमने संकल्प लिया, कोई भी हो उसके लिए हम अवश्य अपना दूध पिलाएंगे, अकाल में भी पिलाएंगे, आपको नहीं देंगे दूध, किंतु ये ध्यान रखना सुबह शाम भले ले लो लेकिन अकाल में यदि बछड़ा जाता है तो समझ लेते ये वो दूध पिला देंगे। दूसरे भी कोई आ जाता है तो उसको भी वो पिलाते, क्योंकि वह भूखा है, इसलिए।
और आप लोगों का धर्म कैसा है क्या पता, बहुत धर्म, बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्म, बिल्कुल भैया आप अपने पास ही रख लो। ये कभी भी शिविर में नहीं आते। नाड़ी परीक्षा विदेशी नहीं है, देसी है, इसको कोई भी याद नहीं कर रहा है। वात पित्त और कफ ये तीनों कैसे होते हैं, इसको किस प्रकार नियंत्रण में रखना, ये सारा का सारा आयुर्वेद में लिखा हुआ 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व में से है। इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, कुछ ऐसी बातें करो जो शास्त्र से संपुष्ट होते हो, और साथ साथ मन घर में जो माता पिता है आदि आदि के द्वारा पुष्ट होते हो, जिसके द्वारा वह यह काम हो जाता है। समय के अनुसार ही यह भोजन पानी आदि आदि माता पिता उनको देते रहते हैं, बाकी जितने भी है वह कुछ भी नहीं होता। हमने अपने धर्म को जो लिखा गया है उसके बारे में कभी भी सोचा तक नहीं है, सोचना दूर हम पढ़ा तक नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा और उसकी शैली, उसके जो विषय वस्तु आदि आदि आपके जीवन के काल में आते ही नहीं हैं। इसलिए अब धीरे धीरे आप इसको देना प्रारंभ कर दो, अवश्य ही आपके लिए अच्छा मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ जापान ने कि कैंसर को नियंत्रण में लाने का एक ढूंढा है तो उपवास है, उपवास उपवास, उपवास। ज़्यादा भोजन करने से नहीं, किंतु उपवास करने से कि उसकी जो कोशिकाएं हैं वह सब दब करके और शुष्क हो करके वहीं के वहीं उन जीवाणु से रहित हो जाते हैं, ये कहा है। और आज तक उपवास जैनियों के यहाँ जीवित है। औरों के भी है, लेकिन जैनियों के जिस प्रकार उपवास के नियमावली है वह अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं होते। मरण के समय पर भी इसी उपवास की शरण ले करके हम मरण को जीतेंगे। अब आप लोगों को भी जीतना है, बहुत जीत लिया दूसरों को, अब अपने मरण को जीतो और अगला जीवन बना लो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक दोहा लिखा था, करने का आज अवसर आया है। वैसे इसका पाठ तो किया होगा, लेकिन इस दिन उसका पाठ नहीं किया था, तो वह आज दिन आ गया है। आप लोग उसके 4 घंटे तो बिता चुके हैं, और वह दिन दिनकर के निमित्त से आगे आगे बढ़ रहा है। 5 नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनूं जलता रहूं,
गुरुपद पद्म समीप। अलग रूप से क्या पूजा हो, तो इसके अलावा समझता हूँ और कोई पूजा नहीं। हमेशा हमेशा हम गुरु के पद में बने रहे, ये भाव उनको सजीव कर देती, ये भावना उनको सामने ला करके खड़े कर देती। शब्दों में क्या विस्फोटक सामग्री है पता नहीं लगता, और उसको जो अतीत के खंड में काल में विलीन हुआ वह द्रव्य भी यहाँ पर ला करके हमारे सामने और दोबारा विस्फोट कर देता है। नई नई पूजा क्या, नई नई पूजा क्या करे, नए नए भाव करे। और उनकी पूजा करे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध नहीं माना, और हम लोग युवावस्था में ही अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं। उनका वह संकल्प इतना जोरदार था, बालक को भी युवा को भी वृद्धों के पास जो होना चाहिए वो सब कुछ भर दे दिया। वृद्ध उन्होंने दांत गिरने से नहीं माना कभी, बाल सफेद होने से नहीं माना उन्होंने। उन्होंने तो हमेशा हमेशा त्रैकालिक सत्य चेतन पिंड को जो हमेशा हमेशा ज्यों का त्यों बना रहने वाला है, परम पारिणामिक भाव से ओतप्रोत उसको ही सामने रख कर के जिस किसी को कुछ संबोधित करना होगा होता था उस समय वे करते थे। वृद्ध भी युवा का अनुभव और युवा भी वृद्ध का अनुभव करते थे उनके चरणों में, और उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करने का, पूर्ण क्या करने का, औरों के लिए भी यह प्रेरित कर दिया, तुम्हें भी और पूर्ण करना है, तुम्हें भी और आगे और पूर्ण करना है। अभी यह काल छूटने वाला नहीं है, काल तो अनादि अनिधन है, तो चेतन भी अनादि अनिधन है। इस काल का उपयोग करके हमें सभी जो सोए हैं, जो हम सोए थे उस प्रकार उनको जगाना है। अभी साहित्य की जो बात कही, उनका कहना था ये साहित्य तो बना हुआ एक टोकरे में बांध करके रखे थे उन्होंने। जयोदय महाकाव्य धूल खा रहा था,
उसको कभी भी उन्होंने लिखने के बाद देखने का प्रयास भी नहीं किया। हमारा संकल्प पूर्ण हो गया, हमने तो प्रकाशन कर लिया। प्रकाशन टाइप के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं। हमने भावों के माध्यम से इस युग को प्रकाशित करके दे दिया। अब युग का कर्तव्य क्या है ये देख लो। ऐसा विद्वान हीरालाल सिद्धांत शास्त्री साढ़ूमल वाले बुंदेलखंड के एक विद्वान थे और निरीह थे और निर्भीक भी थे। उन्होंने सारे सारे उन काव्यों को धूल में से निकाल करके सर्वप्रथम वेद के प्रकाशन के लिए एक ब्राह्मण विद्वान को तैयार किया, जिनका नाम जहाँ तक मैं भूल रहा हूँ रघुवर दत्त जी थे। और वो ब्राह्मण थे, उनको कहा यह जयदय का स्वरूप देखो क्या है। तो उन्होंने उसके ऊपर संभव है आधा काव्य के ऊपर जो महाराज जी का टीका तो लिखी गई थी, सोपा की टीका, किंतु वो भी बहुत कठिन हो गया था, उसको उन्होंने अपने तरफ से काव्य के अनुरूप आधा बनाया। और आधा बाद में अमृतचंद जी थे जो बनारस में शायद उस समय विद्यालय में होंगे, उनके माध्यम से करवाया गया। फिर इसके उपरांत उसमें संभव है अपने पन्नालाल जी साहित्याचार्य के द्वारा भी उसका पूर्ण करने का रूप हुआ। और इस प्रकार इसके बाद वीरोदय का क्रम आ गया, सुदर्शनोदय का क्रम आ गया, दयोदय का क्रम आ गया और बहुत सारे काव्य उनके महाकाव्य के रूप में ही अवतरित हुए हैं। उसमें दयोदय के महाकाव्य चंपू काव्य है, उसको देख करके कम से कम गुरु जी को अपने हृदय में रखने के लिए धीवरोदय का चंपू काव्य हमने भी युग के सामने रख दिया है। उनकी दया थी, दयोदय लिखा था हमारे ऊपर, हमने उनको धीवर, धी मैंने बुद्धि होती है, ऐसे उत्कृष्ट बुद्धि के धारक के रूप में स्वीकार करके उनके सामने उसको रखा है। विद्वान लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं वही है गुरु जी। और यह इस प्रकार आज का चूँकि मुक्ता बनना है, सीप नहीं बनना है, पंकज बनना है, किंतु कीच कर्दम नहीं बनना है, और हमें दीप बनना है, किंतु और कुछ नहीं कि प्रभु के गुरु के चरणों में जलते रहना है। इसके सिवाय और कुछ हमारे पास मांग नहीं है। संभव है आज आप लोग मुकाम को लेकर के आए हैं तो सुनते हैं। मुकाम लेकर के आए हो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं मुकाम करने योग्य, जो है वही है। यदि हो समय मिला तो देख लेंगे, और कुछ बचा कुचा याद है तो उनके बारे में। आज का यह कार्यक्रम कम समय में आप लोगों ने बहुत भक्तिभाव के साथ रख किया, मैं सुनता भी रहा। फिर बाद में आपकी मांग आ गई, मैं भी ये सोच रहा था मैं भी चले जाऊं।
गुरु सुबह सुबह गुरु की पूजा तो हो रही थी। हम प्रतिदिन गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि आप आ करके बैठ जाते हैं करते हैं, तो वह उसको उनका नाम रख करके हम अर्घ चढ़ाते रहते हैं। गुरु को याद ही तो करना है, वही पूजन है। उन्होंने कितने व्यक्तियों को उठा उठा करके सद्बोध सद्ज्ञान की ओर ले गए। बड़े बड़े विद्वान जो उलझ रहे थे उनको सुलझाने का सुलझने का अवसर प्राप्त किया। ये सारे सारे बनारस में पढ़ाने वाले थे, वो सारे सारे गुरु जी के पास आते थे। मैं बैठे वो एक तरफ बैठ करके देखता था और मेरी ओर भी विद्वान लोग देखते थे, तो मैं यूँ करता। और वो लोग गदगद हो जाते थे। अष्ट सहस्र जैसे ग्रंथ को बिना देखे मैं पढ़ता और वो अर्थ सुनाते रहते थे। इसको देख करके पंडित कैलाश चंद जी जैसे बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। हमें तो दो दो तो चश्मा चाहिए तब कहीं जा कर के अर्थ सहस्री खुलती है, लेकिन ये तो बिना पढ़े ही और उसको स्मरण बताते थे। जब कभी भी उसको वहाँ पर कोई चिन्हित किया हो तो बता देते यहाँ पर कुछ चिन्ह किया गया होगा, तुम्हें धन्य मानता। देखो हम उसको देख करके पढ़ नहीं पा रहे और उन्होंने वहाँ पर शोर किया, कुछ नया कुछ टिप्पण किया है क्या नहीं, देख लो पेंसिल से शाही से वो लिखने की परंपरा ही उस समय थी नहीं, उस पेंसिल से वो ऐसे मार्क करते थे, चिन्हित करते थे। ऐसा परिश्रम करके उन्होंने बहुत न्याय के और सिद्धांत के ग्रंथों के वाचन स्वयं करते थे और उसको अध्यापन के रूप में भी रूप देते थे। आर्यिकाएँ भी तक वह श्लोक वार्तिक आदि का अध्ययन किया, हाथ परीक्षा और ये सुपार्श्वती भी उसके उनके लाभ लिए हैं। ऐसे उनके बाद उन्होंने आकर के जब हम मिले थे उस समय कहा था, तो इस प्रकार इनका इतिहास अध्यापन के साथ ही पूर्ण हुआ है। अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, कोई भी प्रकाशन की बात करते थे तो कहते थे कि मैं और कोई प्रभावना की बात नहीं करता, भावना ये करता हूँ मेरा इस साहित्य के सेवा से मेरा उद्धार और सभी लोगों का उद्धार हो। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंडकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किसी पुरुष अथवा किसी मुनि महाराज सुना होगा कैसे भी साहस के साथ अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना परम साहस का काम है।
बहुत पराक्रमी जो होता है, क्षत्रियों को यह एक प्रकार से सहज होता है, जो हमेशा मृत्यु को सामने देखते हुए वैरी को वह पछाड़ना चाहते हैं, उससे भी बढ़ करके मुनि महाराज इसको पछाड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी कर्म तेज निकलता है, उस समय स्थिति इससे विपरीत होने लग जाती है। तेरेंचों में भी इसका, इस त्याग का हम स्वरूप पाते हैं जिनवाने के माध्यम से। धन के प्रति बहुत मोह था, राग था, अपने परिवार के प्रति और अत्यंत राग था, जीवन में एक पाई भी किसी को दिया नहीं, देऊं देऊं तो कह देता है लेकिन देता नहीं, भीतर वाला कहता है देऊं, ये कहते थे वो वहाँ पर भी हमें विस्मत ज्वला होता है, क्योंकि देने के नाम से हम किसी को धक्का भी देना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें भी देना आता है ना, देना नहीं है, लेना कह दो तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। एक तिर्यंश वह अंत में, वह मनुष्य एक राजा था, एक राजा वह मरण को प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता है तो होता क्या, वह मरण तो हुआ तो वह सर्प होता है। जीवन छोड़ने के उपरांत वह सर्प हो जाता है, जाति स्मरण होता है उसे, जहाँ पर भंडार था, राजकोष था, वहाँ पर वह जाकर के बैठ जाता। कैसे बैठ जाता? कुंडली मार करके बैठ जाता, देखता रहता था कोई आए न जाए। जब उस लड़के को ज्ञात हुआ पिताजी का अवसाद तो हो चुका है, अब हमें अवसर है पिताजी के नाम से अच्छी राशि निकाल करके जनता के बारे में काफ़ी करना है। तो कोषाध्यक्ष को कहा इतनी राशि निकलना चाहिए जो आप कहो। ओ भाग्य है, मैंने अपने सोचा था मेरे जीवन में इसने से कुछ तो कोष कम होगा क्या, नहीं, आज हमारा भाग्य है। तो वह गया जाते ही उसकी पहचान करके उसने अपनी आवाज निकाल करके संकेत दे देता, यहाँ मत आओ मर जाओगे। इस आवाज़ सुन करके ही यहाँ पर कोई न कोई सर्प बैठा है, ये निश्चित बात है। कितनी बार तो हमने इस कोष को खोला, उस समय कोई भी नहीं था, अब कैसे
अब राजा भी चला गया तो वह लड़के को कहा, कुमार को कहा, ऐसा ऐसा है, और दो तीन मंत्री आदि आदि के लिए भी वही किया उसने, कोई नहीं आओ, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो राजकुमार पहुँच जाता है तो उसके लिए उसने कोई फुटकार नहीं किया, और जहाँ पर भंडार था उससे वह खिसक करके बैठा। राजकुमार को पता लगा यह पिताजी का ही जीव है। सुन रहे हैं आप लोग? आपके यहाँ सुनने में आता है, कल हमने सुना था, इसलिए 2000 रुपए की नोट गायब हो गए। ये तो कागज के थे, वह तो एक प्रकार से हीरा जवाहर क्या मोती माणिक सोना चांदी मोहरे ये सारे सारे कहाँ से भरा हुआ था। कुमार ने सोचा इनकी भाग्य में ये था नहीं, और वह भी निकृष्ट वह सर्प हो गया। चमत्कार सुनो, जब यह सब कुछ धन निकाल करके दान आदि आदि कर लिया, उसी दिन उसने मुझे आज से मरण तक कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं कुछ भी लेना नहीं, उसी अवस्था में उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके बाहर आकर के सब सभा सभाओं को दिखा रहा है ये वही मैं हूँ जो राजा था, यह वही राजकुमार है। सब लोगों को मालूम पड़ा हमारे राजा ने हमें तो बहुत अच्छा रखा, लेकिन कृपणता की बड़ी दशा खराब होती है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, कृपणता मत रखियो, वो जाना है तो जाएगा ही पक्का, रुकने वाला नहीं है। कितने भी आप रोकना चाहो, कोई भी नहीं सोचता था कि 2000 के जिसके पास नहीं वो तो खूब गाना गा रहा है, वो गाना गा रहा है वो देखो, किंतु तिरंज होकर के उसने अपने किए हुए कर्मों के ऊपर दहानता हुआ, और एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे दिनों दिन निकलते गए, लेकिन सर्प ने कोई कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए कुछ दे दिया उसको उसने छुआ तक नहीं, और वह मरण को प्राप्त हो जाता है। और देव होता है एक कुछ ही समय के भीतर, वहाँ से उस सर्प को हटाया नहीं हटाया, वह एक देव जो बहुत भरे हुए उनके देवों के वेशभूषा पोशाक आदि ऐसे हीरे के मोती के माणिक के आदि आदि से, और एक कंठाहार उसका, वो कहता है ये सब आपका है। मैं कैसे है? मैं वही हूँ तुम्हारा पिता राजा, आज हमारी ये दशा है, हमने कुछ भी नहीं किया था, राग और अतिरिक्त किया
फल ये मिला। ये कथा मैं जब सोचता हूँ, ज्ञान की बड़ी कीमत है, उसका बहुत मूल्य है। जो सुनते हैं वह अच्छे ढंग से सुनो और याद रखो। ऐसे अवसर पर मुझे वह राग न आए, क्योंकि मरना सबको एक ही बार मरना सबको एक बार, किंतु अभी हमारी बारी नहीं है क्या? अपनी अपनी बार, अपने अपने नंबर तो क्रम तो आएगा और यहाँ से गाड़ी छूटेगी, उसमें आपको बिठाना पड़ेगा। ये दशा है। इसलिए जिन्होंने स्वाध्याय करके अपने आप को अच्छा समझाया है, वह इस शरीर के प्रति, अन्य धन दौलत के प्रति तो समाप्त हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन शरीर के प्रति मोह कम हो जाना बहुत कठिन है। कोई कोई रोग हो जाता है, उसको सहन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोग कल नहीं परसों, कल नहीं तो है परसों, कि आचार्य श्री के समाधि के विषय में सुना, उन्होंने जीवन पर्यंत दूसरों को धार्मिक बोध देने के सिवाय और कुछ काम किया ही नहीं। अंत समय तक, अंतिम घड़ी में हम आए, बहुत विलंब से आए, क्या करें, लेकिन आप तो हमें जो देना वो दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अंत समय में यह जो आपको एकत्व विभक्ति की प्राप्ति हुई है, इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही मात्र आपकी समाधि, वही अपने को प्राप्त हो। भले ही हमने विलंब किया, लेकिन अब इसमें कोई विलंब नहीं होगा। वह याद है उनके सामने जब उन्होंने सारे के सारे पदों को छोड़ करके कहा, उस समय कहा कि आप एकत्व विभक्त को प्राप्त हो रहे हैं और अनेकत्व को हमारे गले में डाल रहे हैं, मैं कैसे करूं? ये तो आपको करना पड़ेगा। वो तो सब कुछ करेंगे, लेकिन एकत्व विभक्ति की बात अंत में अपने को भी उपलब्ध हो, जो आचार्य कुंद कुंद देव के लिए भी इष्ट ही नहीं परमोत्कृष्ट थे। ऐसे निधि हमारे पास विद्यमान हैं, किंतु हम अन्यत्र से हटा करके अपने आप को इस ओर लाने का प्रयास करें। बहुत हो गया, जब आप दादाजी परदादाजी बन गए तो अब क्या, अब कुछ नहीं, उसको देखना ही तक नहीं चाहिए। सभी दादाजी बैठे हैं यहाँ पर दादाजी परदादाजी जब ज़्यादा हो गया, दादा हो गया, इसीलिए कुछ भी नहीं चाहिए। नाती का जा रहा विचार मत करो, नाती तो अपना पुण्य लेकर के आया, अति मत करो, अति मोह करने से ठीक नहीं। महाराज ये नाती का आज दिन है, हो आपका भी किसी न किसी दिन होगा, आप भी नाती होंगे,
आपके लिए भी किया होगा। इन सब को नश्वर पराया समझ करके एकमात्र माला फेरो अरहंत सिद्ध अरहंत परमिष्टि जो इसी संलेखना के माध्यम से प्राप्त करते हैं, अन्य किसी साधन नहीं है। धन्य है आचार्य ज्ञान सागर जी जिन्होंने अपने नाम को भी निकाल दिया छोड़ दिया, मेरा कोई नाम नहीं, मैं तो आत्म राम हूँ। ऐसे ही निरीह था हमारे जीवन में भी आए, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। उनका तो हो गया, उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमें जो आशीर्वाद मिला है उससे हम और कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। एकमात्र समाधि रस्तु। जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मानिक अन्ना पाटिल, धर्म पत्नी श्रीमती शीला पाटिल, माता एवं पिता श्रीमती अक्काताई पाटिल, श्री अन्ना पाटिल पुत्र अक्षय पाटिल, पुत्री प्रियंका पाटिल एवं मोनिका पाटिल, दोहित्र अर्चित अमर पाटिल, विवान सचिन पाटिल, शिवांश सूरज पाटिल, निवासी मुकमपुर हालोंडी, तालुका हथकाळंगले, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री महेंद्र अग्रवाल, श्रीमती शीला अग्रवाल, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री धीरेंद्र अग्रवाल, श्रीमती माधुरी अग्रवाल, श्री देवेंद्र अग्रवाल, श्रीमती पूनम अग्रवाल, श्री भूपेंद्र अग्रवाल, श्रीमती संगीता अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रीमती वंदना अग्रवाल, विकास अग्रवाल, श्रीमती ऋतु अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, आरजू अग्रवाल, जय अग्रवाल, देव अग्रवाल, सागर अग्रवाल, अभिनेंद्र अग्रवाल, सजल अग्रवाल, युवराज अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। श्री अनिल जैन अध्यक्ष, दिगंबर जैन समाज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। धर्मपत्नी श्रीमती शशि जैन, पुत्र श्री अंकित जैन, पुत्र वधु श्रीमती प्रियंका जैन, पौत्री कुमारी सानवी जैन, पौत्र व्यान जैन, श्रीमान सोनू जैन, श्रीमती जिया जैन, पुत्र मास्टर काव्य जैन।